दोस्तों, अगर आपके फोन में जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है और अभी भी आपके फोन में 4G चल रहा है तो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि अब आप अपने फोन के अंदर दोस्तों जियो ट्रू 5G को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे दोस्तों तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल फोन में जियो ट्रू 5G एक्टिवेट हो जाएगा और आपके फोन का जो इंटरनेट स्पीड है ना भाई, वो रॉकेट जैसा भागेगा। दिखाऊंगा लाइव प्रूफ इस वीडियो के अंदर, दिखाऊंगा पहले कितना स्पीड है और बाद में कितना स्पीड है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए 4G है, इसे 5G में मैं एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आपके फोन में अभी भी 4G चल रहा है, जियो का सिम कार्ड है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने फोन का जो करंट इंटरनेट स्पीड है वो मैं आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए इस समय करंट टाइम में जो हमारा इंटरनेट स्पीड है वो कैसा है और जब हम जियो ट्रू 5G को एक्टिवेट करेंगे तो कैसा इंटरनेट स्पीड रहेगा वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 4-5 MBPS के आसपास जो है मतलब की स्पीड है, ठीक है, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। तो इसे अब हम यहाँ से जो है क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जो दो सेटिंग आपको अपने मोबाइल फोन में करना है मैं बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का जो सेटिंग होता है, ठीक है, इसे आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करेंगे तो यहां पर नेटवर्क एंड इंटरनेट का एक सेटिंग होगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। यहां पर दोस्तों आपको इंटरनेट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपना सिम सिलेक्ट करना है, जियो वाला सिम सिलेक्ट करना, ठीक है। ये जो पूरा ट्रिक होगा ये जियो वालों के लिए है, ठीक है। तो यहां पर हम जियो का सिम कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर जियो का जो सभी सेटिंग है ये ओपन होके आ जाता है। अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है, एकदम नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम दिया हुआ है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका APN है, जो एक्सेस पॉइंट नेम है भाई, ये 4G वाला है। आप यहां पर खुद देख लीजिए जियो 4G लिखा हुआ है। आप जाकर अपने फोन के अंदर देखेंगे ना तो आपके फोन के अंदर भी यहां पर जियो 4G देखने को मिलेगा, तो 5G भाई कहां से चलेगा। तो इसे दोस्तों आपको इसके अंदर सिर्फ दो चीजें चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर दोस्तों नेम के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं जियो 4G लिखा हुआ है, तो इसे दोस्तों आपको हटाकर जियो 5G कर देना है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। जियो 5G करके आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो APN में जियो नेट लिखा है सिर्फ, इसे आपको जियो नेट 5G कर देना है, यहां पर जी स्मॉल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसे ओके करना है और यहां से इसे जो है आपको सेव कर देना है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए। ये पहला ट्रिक आपने अपने फोन में सक्सेसफुल तरीके से कर लिया है। लेकिन अभी भी दोस्तों आप यहां पर देखेंगे तो 4G है, अभी 5G एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक ट्रिक किया है, दूसरा ट्रिक तो बाकी है। तो दूसरा जो ट्रिक है उसे करने के लिए आपको अपने फोन में क्या करना होगा, ये जो जियो का ऐप होता है ना, इसे आपको ओपन करना है। माई जियो का ऐप तो सभी के फोन में होगा, है ना, तो इसे ही दोस्तों आपको यहां पर ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों यहां पर एक एरो दिया हुआ है, इसी एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर नीचे की तरफ आपको चले आना है। जैसे दोस्तों यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको एक कांग्रेचुलेशन करके इस प्रकार से जियो ट्रू 5G का जो है एक पॉपअप देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन और यहां पर जियो ट्रू 5G इस प्रकार से ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या, यहां पर गेट स्टार्टेड का बटन दिया हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके डिवाइस को फेच करना शुरू कर देता है। तो यहां पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो डिवाइस है ये सॉफ्टवेयर अपडेट है या फिर नहीं। तो अगर आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट है तो यहां पर दोस्तों आप आई है वो अपडेटेड करेंगे, अगर नहीं अपडेट है तो अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फोन में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट है तो यहां पर आई है अपडेटेड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर दोस्तों लास्ट में आप देखेंगे तो एक और चीज यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, चेक योर 5G सेटिंग, यानी कि आपके फोन के अंदर 5G सेटिंग नहीं हो रखा है। यहां पर आप देखेंगे 5G के सामने एरर आ रहा है, बाकी सब यहां तो ग्रीन टिक आ गया है लेकिन लास्ट में ये एरर आ रहा है, तो इसे आपको फिक्स करना है। तो इसे कैसे आप फिक्स करेंगे, उसके लिए गो टू सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब वापस से आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, इंटरनेट में आना है, सिम को अपने सेलेक्ट कर लेना है जियो वाले, ठीक है। यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे आप 5G पर सेट कर देंगे, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। 5G पर सेट करने
करने के बाद तुरंत आपके फोन में 5G एक्टिवेट हो जाएगा। अब वापस से दोस्तों आपको बैक उसी ऐप के अंदर चले जाना है, ठीक है। बैक करके जैसे दोस्तों आप इस ऐप के अंदर आ जाएंगे, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वापस से जो नंबर के आगे एरो दिया है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे 5G ट्रायल अनलिमिटेड, यहाँ पर दोस्तों आपको 5G ट्रायल अनलिमिटेड मिल चुका है, यानी कि अब आपके फोन में अनलिमिटेड 5G इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख लीजिए 5G ट्रायल अनलिमिटेड आपको यहाँ पर मिल रहा है। जो रिचार्ज आपने किया था उसी रिचार्ज में आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना हुआ, तो इस एक प्रकार से बोल सकते हो ना, बिना कोई पैसे दिए ही आप फ्री में ही दोस्तों आप अनलिमिटेड जो 5G इंटरनेट है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसका जो इंटरनेट स्पीड है वो भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इस समय दोस्तों हमें इंटरनेट स्पीड कितना फास्ट मिल रहा है, ठीक है। हमने 5G एक्टिवेट कर दिया है तो जो इंटरनेट स्पीड है वो भी दोस्तों लाइव आप यहाँ पर देख लीजिए कितना फास्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी तो फिलहाल हमारे रूम के अंदर है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कितना आ रहा है। कई कई बार दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ पर 1000 Mbps के आसपास पहुँच जाता है, 300 Mbps, 700 Mbps, इतना फास्ट हो जाता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल पूरा रूम पैक है, मतलब कि रात का समय है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कम आ रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे आप 5G एक्टिवेट करेंगे आपके फोन का जो इंटरनेट स्पीड है वो एकदम रॉकेट जैसा हो जाएगा, समझ लो। तो अगर आपको दोस्तों ये ट्रिक पसंद आया तो इस ट्रिक को लाइक कर दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।